13 तारीख को दरवाजे पर आकर और पैर छू करके प्रणाम करता है और करने के बाद तवातोड़ गोलियां चला करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये प्रेस वार्ता बीजेपी विधायक लखिंदर पासवान के द्वारा किया गया। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि राकेश पासवान की हत्या कर दी गई है और इस मामले पर अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहते कि उनके हत्यारे का नाम सबके सामने आए। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह हो गया लेकिन राकेश पासवान के मामले पर अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं मिली है। इसी के साथ साथ बिहार सरकार को भी अल्टीमेटम देते हुए दिखे हैं बीजेपी विधायक और साफ तौर पे कहा है कि अगर एक सप्ताह के भीतर कुछ नहीं होता है तो हम पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे बीजेपी के विधायक लखिंदर पासवान, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। आज बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बिहार प्रदेश में जब से महागठबंधन की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर चुन चुन करके अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो समाज के होनहार लोग हैं, सामाजिक प्रबुद्ध लोग हैं, उनके साथ बड़े पैमाने पर एक सोची समझी रणनीति के तहत हत्याएं की जा रही है। आप प्रेस मीडिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सोशल एक्टिविस्ट भी आप हैं, मैं आपसे यह आग्रह विनती करता हूं कि आप लोग भी दबे कुचले वंचित समाज को आवाज़ ज़रूर बनते हैं, दूर दूर तक दिखाने का काम करते हैं। उसी कड़ी में ये दो जगह की मैं चर्चा करूंगा। अभी बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एक भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल गई थी लालगंज थाने के अंतर्गत जो वैशाली जिले में आता है। राकेश पासवान को जो सोशल एक्टिविस्ट भी थे, भीम आर्मी के प्रदेश के सचिव भी थे, दलित सेना के भी उनके ऊपर दायित्व तो था और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचा रहे थे, जिसका कारण बना कि वहां के अपराधियों ने 13 तारीख को दरवाजे पर आकर और पैर छू करके प्रणाम करता है और करने के बाद तवातोड़ गोलियां चला करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। मौत के घाट उतारने के बाद से अगल बगल आग की तरह ये बातें फैल गई। सभी समाज के लोगों ने दरवाजे पर आया और 13 तारीख से आज 20 तारीख हो गया, FIR तो हुआ है लेकिन अब तक उस FIR के बदले किसी की गिरफ्तारियां नहीं हुई। और मार्मिक बात है कि उस परिवार के लोगों ने राकेश पासवान के बड़े भाई मुकेश पासवान जिला पार्षद हुआ करते थे और मुकेश पासवान उस परिवार के ऊपर 16 में भी एक बार गोलियां चलाई गई थी और उस परिवार के लोगों ने वहां के स्थानीय DM और SP को आवेदन दिया कि हमारे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, गोलियां चली, सुरक्षा के लिए आर्म्स की लाइसेंस दी जाए। आवेदन देने के बावजूद 16 में आवेदन दिया गया, आज 2023 है लेकिन उनके आवेदन पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसका ताजा उदाहरण 13 तारीख को देखने को मिला कि एक अनुसूचित जाति के होनहार व्यक्ति राकेश पासवान को निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसी कड़ी में आपने देखा होगा जहां मुख्यमंत्री जी के खुद का घर है नालंदा जिला और वहां मुन्ना पासवान है जो वो भी अनुसूचित जाति महादलित परिवार से ही आते हैं और दलित सेना जो है दलित सेना में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे थे। 13 तारीख को ही उनको भी 6 गोलियां मार करके निर्मम हत्या कर दी जाती है और ये सरकार में बैठे मुखिया कहते हैं कि यही जनता की सरकार है। मैं अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार से होने के नाते जनक चमार स्पष्ट सरकार से कहना चाहता है कि जहां बिहार प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति दबे कुचले वंचित समाज को बाबा साहब अंबेडकर जी ने आवाज़ दिया था, उस आवाज़ के प्रति समाज में समरूपता एक भाव फैलाने का
कर्जकर्ता वो पासवान बिरादरी का हो, दलित बिरादरी का हो, पिछड़ा बिरादरी का हो, अत्यंत समाज के बेटा हो, वह परिवार को निर्मम हत्या करने के उद्देश्य से ही आपकी सरकार चल रही है, तो मेरा मानना है कि यह सरकार कमजोर लोगों को दबा करके और वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। ये बिहार प्रदेश के लोगों ने ये चीज़ को आने वाले दिनों में बड़े बखूबी समझ भी चुका है और जवाब भी देने के लिए तैयार है। इसलिए एक शिष्टमंडल जो है कि लालगंज में, जैसे हमने अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, बड़े भाई रामप्रीत पासवान जी, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक, हम तीन लोगों ने साथ में सुबोध पासवान जी भी गए थे, और उस परिवार का एक ही मांग है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज एक सप्ताह हो गया, कोई अपराधी की गिरफ्तारी नहीं है, खुल्लम खुल्ला अपराध कर्मी घूम रहा है। और वहीं से एसपी को, डीजीपी को, मैं स्वयं अपने मोबाइल नंबर से डीजीपी को फ़ोन लगाया तो ये जवाब आया कि अभी डीजीपी साहब वीसी में बैठे हुए हैं और तुरंत कॉल बैक करके आपको बात कराया जाएगा। लेकिन शायद अभी 4 घंटे हो गए, अभी 4 घंटे होने के बावजूद डीजीपी साहब का वीसी चल रहा है या नहीं चल रहा है, कॉल बैक नहीं आया है। उस परिवार का यही कहना है कि उस परिवार में 3 बच्चे और बच्चियाँ हैं, तो उन बच्चे और बच्चियों को परवरिश करने के लिए सरकारी जो मुआवजा 25 लाख रुपया जितना जल्दी हो सके परिवार को उपलब्ध कराना चाहिए, और बच्चों को परवरिश करने के लिए उनका विवाह जो पत्नी है उस पत्नी को पीडीएस की लाइसेंस निश्चित रूप से उपलब्ध कराना चाहिए कि वो परिवार के परवरिश हो सके। और इतना ही नहीं, राकेश पासवान की जब मृत्यु हो जाती है, अपराधियों ने हत्या करके चले जाते हैं, और शव को वहाँ के सम्मानित सभी समाज के लोगों ने जब दाह संस्कार करने के लिए लेके जाते हैं तो काफिला बन पड़ता है, और वो काफिले में हजारे हजार समाज के लोग खड़े होते हैं और बड़े पैमाने पर नारेबाजी करते हुए उनके अंतिम संस्कार के तरफ जब लोग बढ़ रहे थे, मन चले लोगों ने चौक चौराहे पर कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की बातें आ रही है। लेकिन जिसका नुकसान हुआ है, जिन दुकानदारों को टूट फूट की बातें आ रही है, वह दुकानदार व्यवसायी कहीं थाने में एक आवेदन नहीं दिया है, और खुद के वहां के पुलिस प्रशासन ने अपने मन से FIR करके, जो राकेश पासवान के शुभचिंतक थे, हित रिश्तेदार थे, अगल बगल टोले मोहल्ले के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी थे, और उनको नाम दे करके लगभग 14 लोगों को जो दाह संस्कार करके लौट रहे थे उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए और अरेस्ट करके जेल के सलाखों में डाल दिया गया। और इतना ही नहीं, लगभग सैकड़ों लोगों को बेनामी नाम दर्ज करके और उनको आज डर का माहौल कायम कराया गया है। इससे ये सरकार साफ ही स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति जनजाति को मरने के लिए विवश कर दिया गया है, अपराधियों को खुल्लम खुल्ला छूट दे दिया गया है कि अनुसूचित जाति के लोग, जो संविधान की बात करता है, न्याय कानून की बात करता है, गरीब दलितों और पिछड़ों की आवाज़ की बात करता है, उसको हत्या का रूप दिया जा रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से मैं मांग करता हूं कि जो परिवार के अब तक सुरक्षा मुहैया नहीं है, सरकार सुरक्षा भी मुहैया करे, PDS की लाइसेंस के उनको दिया जाए, और दूसरी बात तो उस परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया सरकारी मुआवजा दिया जाए। और फिर प्रदेश का अध्यक्ष